नमस्कार, बीसीएन न्यूज के खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। हर बार हम आपको ऐसे व्यक्तिमत्व से मिलाते हैं जो अपने मुकाम पे कुछ हासिल किया होता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही दो व्यक्तिमत्व है, लोंदे शहर के सुप्रसिद्ध लोंदे ज्वेलर्स के ओनर राजेश लोंदे और यश लोंदे जो कि डायरेक्टर है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके व्यापार के बारे में। लोंदे ज्वेलर जो है शहर का सुप्रसिद्ध ज्वेलर से ये मुझे बताने की मतलब ज़रूरत नहीं है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से व्यापार चल रहा है और सोने के व्यापार जगत से कुछ जुड़ी उनकी खास बात है और यहाँ तक का उनका सफ़र कैसा था, ये सब उनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या बताओगे कि मतलब आप छोटे से गांव से आए हो और नागपुर में आज आप इस मुकाम पे हो, हर कोई आपको जानता है, तो ये सफ़र कैसा था? मैंने 1985 में नागपुर आया था चाचा के यहाँ। पढ़ाई के साथ में काम भी करता था ज्वेलरी का, और वहाँ से प्रेरणा मिली कि ज्वेलरी में काम करना चाहिए करके। तो 92 से जब मैं 21 साल का था तब छोटी सी दुकान लेके बैठा था 5x6 की, और वहाँ से स्टार्ट किया। मतलब ये पुश्तैनी व्यवसाय आपका नहीं हम बोल सकते हैं? ये चाचा का व्यवसाय था, उनके मैं काम सीखते सीखते पढ़ा। क्या बताओगे सर, आज जिस मुकाम पे आप हो, मतलब कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है, फोर्ब्स जैसे इसमें भी आपका नाम है, तो क्या बताओगे यहाँ तक कैसे आए हो? मतलब के पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए कैसा ये मुकाम हासिल किया है, क्या बताना चाहोगे? देखिए कि कोई भी व्यवसाय करने के साथ में उत्साह चाहिए, ईमानदारी चाहिए और साथ में जज्बा चाहिए। यदि करने की इच्छा है तो आप इस मुकाम तक पहुँच सकते हो, कि ये हमने किया, लोगों को एक क्वालिटी वाली ज्वेलरी दी, लोगों का विश्वास संपन्न किया, इसलिए हम लोग यहाँ तक बढ़े। बिल्कुल, अगर मतलब चाह रहे तो राह ये सफल होती है, ये बात सही है। मुझे ये बताइए सर कि जब भी आपने ये व्यवसाय स्टार्ट किया होगा तो नागपुर में कई ज्वेलर्स होंगे जो नामांकित होंगे, तो यहाँ तक आने के लिए आपने मतलब कौन सी मतलब अड़चनों को पार किया है, किस तरह से इस बिज़नेस को आपने एक्सपांड किया है, क्या बताओगे? ऐसा है, ज्वेलरी बिजनेस को जब मैंने बढ़ाना शुरू किया, पहली बात तो हमने इस बिज़नेस को एक पक्के में शुरू किया। जो लोग कच्चे में काम करते हैं, हमने कच्चे में नहीं पक्के में किया, एक सिस्टमेटिक शुरू किया मैनेजमेंट के सहारे, और वो हिसाब से ज्वेलरी शोरूम किया। हमने लोग क्या करें वो नहीं देखा, हम क्या कर सकते हैं और लोगों को क्या अच्छा दे सकते हैं, ये ज़्यादा प्रयत्न किया। बिल्कुल, जब आपने स्टार्ट किया होगा ये व्यवसाय उस ज़माने में और आज के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब पहले सोने की दुकान रहती थी, लोग आते थे सोना खरीदते थे, लेकिन आज जो होता है कि सोने की दुकान को देखा जाता है बाद में ज्वेलरी को, तो क्या बताओगे मतलब आज का और तब का डिफरेंस क्या बताओगे? पहले ऐसा था कि लोग विश्वास से जाते थे, छोटी सी दुकान रहती थी, लोग ज्वेलरी देते थे, कैश देते थे कि भैया मेरे को इस टाइप का बना के दे। अभी बनाने का कंसेप्ट कम हो चुका है, रेडीमेड पर कंसेप्ट ज़्यादा है, और लोगों को रोज नई नई वेरायटी चाहिए रहती है, क्योंकि वेराइटीज रहेंगी तुम्हारे पास कस्टमर रहेंगे। बिल्कुल, और साथ में क्वालिटी भी चाहिए, तो चेंज हुआ है मार्केट ग्लोबलाइजेशन के कारण। बिल्कुल, मार्केट बहुत चेंज हुआ है, और आपकी अगली पीढ़ी मतलब यश जो है वो डायरेक्टर है आपके साथ, आप भी इस मतलब बिजनेस में आए हो, क्या बताओगे कि मतलब कैसे आपने भी चाहा कि हाँ मैं इसी बिजनेस में आऊँगा, इसे ही बढ़ाऊँगा, क्योंकि आज का यूथ हम देखते हैं जिस तरह से मेंटेलिटी है, जिस तरह से वास्ट हो गया है, तो क्या बताओगे? तो मेरे केस में बचपन से मैं पापा को देख रहा था बिजनेस में, तो मेरा बचपन से इंटरेस्ट था बिजनेस में, तो बचपन से ही मैं शॉप में बैठता था पापा के साथ 1-2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए। तो जब भी मैंने पढ़ाई ख़त्म की तो मेरा फिक्स था गोल कि मुझे वापस जाके बिजनेस में ही बैठना है, क्योंकि मुझे उसमें बचपन से इंटरेस्ट था। बिल्कुल, सोने चांदी के अलावा आप डायमंड के भी मतलब बिजनेस करते हो, तो क्या बताओगे? नवरत्न रहते हैं, तो इसके बारे में क्या बताओगे हमारे दर्शकों को, किस तरह से आप सर्विस देते हो, आपके यहाँ के नवरत्न के लिए किस तरह से अलग से सर्विस होती है, क्या होता है? तो हमारे पास डायमंड्स और जेमस्टोन्स की पूरी वैरायटी है, तो आजकल जो पंडित रेकमेंड करते हैं स्टोन्स, वो आप हमारे पास आके ले सकते हैं, और हमारे पास जो भी जेमस्टोन्स होते हैं वो विद सर्टिफिकेट होते हैं, तो अगर आप कहीं बाहर से लोगे या फिर कोई रेकमेंड करेगा तो आप इंश्योर करिए कि आप जो भी जेमस्टोन ले वो आप सर्टिफिकेट के साथ ले उसके। बिल्कुल, प्लैटिनम भी आपके यहाँ रहता है, तो किस तरह से मतलब ज्वेलरी को डिमांड है नागपुर में खास तौर पर?
तो प्लैटिनम जो है वो जो यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यूजुअली प्लैटिनम हमारा एंगेजमेंट्स और वेडिंग्स वगैरह के लिए लोग यूजुअली लेते हैं। बिल्कुल, जिसका आजकल बहुत क्रेज हम देख देख रहे हैं कि एंगेजमेंट रिंग होती है। पहले हम सोने की, मतलब सोने की रिंग या डायमंड की भी ये क्रेज था, लेकिन अब प्लेटिनम में हुआ है। तो क्या रेंज है, क्या बताना चाहोगे? प्लैटिनम की रिंग्स 30,000 45,000 से चालू होती है, जो कि आपको जितना चाहे मतलब कि इसमें और मतलब कौन सी ज्वेलरी मिलेगी आपके यहाँ? आपको सब मिल जाएगी, रिंग्स, पेंडेंट, मंगलसूत्र, चेन, आपको अगर सॉलिटर डायमंड्स चाहिए हो वो भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप जब मतलब व्यवसाय शुरू किए थे तब सोने चांदी और डायमंड, इसके अलावा नहीं था। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मतलब प्लैटिनम हो गया, ऐसे बहुत और भी धातु आ रहे हैं। तो क्या बताना चाहोगे आगे की जनरेशन के लिए, और किस तरह से सोने का मतलब हम देख रहे हैं कि अभी भाव बढ़ चुका है, जिस तरह से कोरोना के बाद मार्केट खुला है, तो लोगों द्वारा कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कोरोना के बाद भी सोने के रेट बढ़े हुए थे, और एक देखिए सोना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। हाँ प्रॉपर्टी और सब चीज़ से देखोगे तो सोना हमेशा ज़्यादा वैल्यूएशन दिया गया है, बिल्कुल, और हमेशा आप देखिए एक रिकॉर्ड चेक करोगे तो 7 साल में सोना डबल हो चुका है। पुराना यदि रिकॉर्ड देखोगे तो 7 साल में डबल। जब मैंने 92 में दुकान शुरू की थी तब 4,000 के रेट थे, आज 52-53 रेट्स हैं। बिल्कुल, तो सोना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, और सोना हमेशा बढ़ते रहेगा, क्योंकि सोना जो है एक लिमिटेशंस है उसकी, उसकी माइनस लिमिटेशन है, जितना सोना निकलेगा उसका है। यो एक्चुअली तैयार नहीं होता, माइंस से आता है, बिल्कुल और अभी माइंस में धीरे धीरे सोना कम होता है, डिमांड ज़्यादा रहेगी तो गोल्ड के रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल, हॉलमार्क वाला जो सिस्टम शुरू हुआ है उसके बारे में क्या बताओगे? लोंदे ज्वेलर्स ने हॉलमार्क का जरिए हमेशा साथ दिया है, क्योंकि 2004 से जब हॉलमार्किंग नागपुर में शुरू हुआ था तब फर्स्ट ज्वेलर्स लोंदे ज्वेलर्स ने ही रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब से हम लोग हॉलमार्किंग ज्वेलरी बेचते हैं। और हॉलमार्क के कारण कस्टमर को एक प्योरिटी की श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि उसमें मार्किंग रहता है, कई हमारे यहाँ कैरेटोमीटर रखा हुआ है कि जो लोग चेक कर सकते हैं उसमें प्योरिटी है कि नहीं प्रॉपर, और साथ में हॉलमार्किंग करके बेचते हैं। बिल्कुल, क्या बताना चाहोगे, जैसे 2 साल हुए मतलब जिस तरह से प्रतिबंध थे कोरोना के चलते, तो किसी भी त्यौहार नहीं मतलब कोई भी त्यौहार नहीं मनाए जाते थे, लोग कुछ भी लेने के लिए सोचते थे। आज वो स्थिति नहीं है, आज पूरी पाबंदियां हट चुकी है। आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों के बाद जो है अक्षय तृतीया आने वाली है, और बहुत सुनहरा मौका जो है आ रहा है, पाबंदियां नहीं है। तो क्या बताओगे ग्राहकों के लिए आपने किस तरह से खास मतलब ऑफर कुछ लाए हो? अक्षय तृतीया यहाँ से वेडिंग सीजन जोर से शुरू हो जाता है, और अक्षय तृतीया में भी काफ़ी वेडिंग रहती है। तो हम लोग लोंदे ज्वेलर्स ने एक पैकेजेस रखे शादी के, जैसा 2,51,000, 3,51,000, 4,51,000, 5,51,000, इस टाइप के पैकेज रखे, और वो हिसाब से उनके लिए वो स्पेशल शादी के लिए कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं। तो ये नया लोंदे ज्वेलर्स ने शुरू किया हुआ है। बिल्कुल, मैं यश आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अभी जो है ब्रांडिंग की जाती है, हम देखते हैं हर कोई ज्वेलर्स है, शहर में हो शहर से बाहर हो ब्रांडिंग होता है। तो आप यूथ हो, किस तरह से ब्रांडिंग करते हो अपने दुकान की शॉप की, क्या बताओगे? तो जो ब्रांडिंग का है वो हमारी प्लानिंग होती है साल भर की, कि कब फेस्टिवल्स पे हमें क्या एड चलानी है, कौन सी स्कीम चलानी है, तो उस हिसाब से हम पूरा ईयर का कैलेंडर प्लान करते हैं और उस हिसाब से हम एड्स करते हैं। बिल्कुल, अभी जो है यूथ को आप क्या बताना चाहोगे? तो यूथ को मैं बताना चाहूँगा कि गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आजकल यूथ जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो स्पेंड ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, तो बेटर ये रहेगा फ्यूचर के लिए भी कि आप अपने इनकम का सर्टेन परसेंटेज आप गोल्ड में डालिए एवरी मंथ एवरी ईयर। सर मेरा आपसे एक सवाल था कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद मतलब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो इस दौरान किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? शादियों का सीज़न है, दिवाली के बाद से जो शादियों का सीज़न शुरू होता है, तो किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? जैसे पहले ग्राहक की होती थी उसी तरह से लोग मतलब खरीदारी कर रहे हैं? जैसा लॉकडाउन के पहले जैसा था गिरायकी निकली रहती थी मार्केट में, वैसे सेम पोजीशन आ गए अभी कोरोना का जो पोजीशन है वो नहीं के बराबर है, लोग पूरे निकले हुए हैं मार्केट में और काफ़ी खरीदारी लोगों की चल रही है। बिल्कुल, क्या संदेश देना चाहोगे, क्या एक मैसेज देना चाहोगे आने वाले अक्षय तृतीया के लिए हमारे दर्शकों को? लोंदे ज्वेलर्स की तरफ से अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभेच्छा, और आपका ये त्यौहार अच्छा जाए, और इस त्यौहार में ज्वेलरी परचेसिंग अच्छे कीजिए, इन्वेस्टमेंट। सर आप
क्या संदेश देना चाहोगे? लोमडी ज्वेलर्स की तरफ से आप सबको हैप्पी अक्षय तृतीया। तो इस अक्षय तृतीया आपकी शादी के लिए हमने जो वेडिंग पैकेजेस लॉन्च किए हैं, तो आपके बजट अनुसार हम आपके लिए पैकेज डिज़ाइन करके देंगे। आपकी ज्वेलरी का वेडिंग का जितना भी सामान होता है वो हम आपके बजट में आपको फिट करके देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी जो है दी है और हमारे दर्शकों से संवाद साधा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा ही हम आपको खास व्यक्तिमत्वों से रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ थे राजेश लोंदे और यश लोंदे, जो कि लोंदे ज्वेलर्स के ओनर और डायरेक्टर है। इनसे हमने बहुत अच्छी जानकारी से रूबरू हो चुके हैं और अगले व्यक्तिमत्व से हम फिर मिलाएंगे। उसके लिए फिलहाल वक्त हो गया है यहीं रुकने का। धन्यवाद।